गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट। स्टूडेंट्स, अभी तक मैथ में हमने चैप्टर थर्ड में पेज नंबर 17 तक स्टडी कर लिया था। अब हम पेज नंबर 18 की स्टडी करेंगे। लेट्स सी प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं ऐड के ऊपर। हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ऐड करके। ओके, तो फर्स्ट है जॉन हैज़ टू पेंस, सैम हैज़ थ्री पेंस, हाउ मैनी पेंस डू दे हैव टुगेदर। जॉन के पास कितनी पेंस है, टू पेंस, और सैम के पास कितनी है, थ्री पेंस। तो इसमें पूछा है हाउ मैनी पेंस डू दे हैव टुगेदर। अब उन दोनों के पास कितनी पेंस होंगी। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको दोनों की पेंस को ऐड करना होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि दोनों के पास कितनी पेंस होंगी। तो हम क्या करेंगे, जॉन और सैम के पास जितनी पेन है उनको हम ऐड करेंगे। टू पेन किसके पास है, जॉन के पास, एंड थ्री पेंस है सैम के पास। तो टू प्लस थ्री हम ऐड करेंगे, टू प्लस थ्री होंगे फाइव। तो उन दोनों के पास कितनी पेंस हो गई, फाइव। इसी तरह सेकंड है अमित हैज़ थ्री एप्पल्स एंड हिज सिस्टर हैज़ फोर एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स डू बोथ ऑफ देम हैव। अब इसमें क्या है, अमित के पास कितने एप्पल्स हैं, थ्री एप्पल्स, एंड हिज सिस्टर हैज़ फोर एप्पल्स, और उसकी सिस्टर के पास कितने एप्पल्स हैं, फोर। तो उन दोनों के पास कितने एप्पल्स होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम अमित के पास जितने एप्पल्स हैं उनको लिखेंगे। अमित हैज़ थ्री एप्पल्स, कितने एप्पल्स हैं, थ्री एप्पल्स, तो हम यहाँ लिखेंगे थ्री। फिर एंड हिज सिस्टर हैज़ फोर एप्पल्स, कितने हैं उसकी सिस्टर के पास एप्पल्स, फोर एप्पल्स, तो हम यहाँ लिखेंगे फोर। अब हमें दोनों के पास कितने एप्पल्स हैं ये देखना है, तो इन दोनों के एप्पल्स को ऐड करेंगे। फोर थ्री प्लस फोर कितने हो जाएंगे, सेवन, कितने हो जाएंगे, सेवन। कैसे, थ्री है तो वन टू थ्री लाइन खींचेंगे, फोर के लिए वन टू थ्री फोर, फोर लाइन खींचेंगे, इनको जोड़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितनी हो गई, सेवन। ओके, तो उन दोनों के पास कितने एप्पल्स हो गए, सेवन। इसी तरह देयर आर फाइव बॉयज एंड थ्री गर्ल्स इन ए क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। एक क्लास में फाइव बॉयज हैं एंड थ्री गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हैं, फाइव, और गर्ल्स कितनी हैं, थ्री। तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो हमें क्या करना होगा, बॉयज एंड गर्ल्स को ऐड करना होगा। तो बॉयज कितने हैं, फाइव, तो पहले हम फाइव लिखेंगे। गर्ल्स कितनी है, थ्री, तो यहाँ थ्री लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, सबसे पहले फाइव लाइन खींचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, एंड फिर थ्री, वन टू थ्री। अब इनको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितने हो गए, एट। तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, एट स्टूडेंट्स। इसी तरह फोर है, सीमा हैड फोर स्टैम्प्स, सी बोट टू मोर, हाउ मैनी स्टैम्प्स डिड सीमा हैव इन ऑल। सीमा के पास फोर स्टैम्प्स हैं, ठीक है, अब उसने दो और खरीद लिए, तो अब उसके पास कितने स्टैम्प्स हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कितने स्टैम्प्स थे सीमा पे, फोर, फिर उसने कितने खरीद लिए, दो, टू और खरीद लिए। तो अब हमको ये देखना है कि अब उसके पास कितने, टोटल कितने स्टैम्प्स हो गए। तो पहले फोर को फोर लाइन खींचेंगे, वन टू थ्री फोर, टू, वन टू। अब इन दोनों को काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कितने स्टैम्प्स हो गए टोटल,
6। सीमा के पास कितने स्टैम्प्स हो गए? 6 स्टैम्प्स। देयर आर 2 मैंगोज इन वन प्लेट एंड 2 इन अदर प्लेट। हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन ऑल? एक प्लेट में 2 मैंगोज हैं, ओके, और एक अदर प्लेट में 2 मैंगोज हैं, तो दोनों प्लेट में कितने मैंगोज हो गए? दोनों प्लेट को जोड़कर कितने मैंगोज हो गए ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एक प्लेट में कितने हैं? 2, ठीक है, और एक अदर प्लेट में कितने हैं? 2। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 1 2 1 2। अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितने मैंगोज हो गए? 4 मैंगोज। टोटल मैंगोज कितने हो गए? 4। अब देयर आर 5 पेंसिल्स इन वन पैकेट एंड 4 पेंसिल्स इन अदर। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन द 2 पैकेट्स? एक पैकेट में 5 पेंसिल्स है एंड एक अदर पैकेट में 4 पेंसिल्स है, तो इन दोनों पैकेट्स में कितनी पेंसिल्स हो गई ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैकेट की पेंसिल्स लिखेंगे। कितनी पेंसिल्स है फर्स्ट पैकेट में? 5 पेंसिल्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। एंड अदर पैकेट में कितनी है? 4 पेंसिल्स। कितनी है? 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ 5 है, 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 4 है, 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हो गई? 9। टोटल कितनी हो गई? 9 पेंसिल्स। दोनों पैकेट में कितनी पेंसिल्स हो गई? 9। 7 है, देयर आर 3 बनानास इन वन प्लेट एंड 1 बनाना इन अनदर प्लेट। हाउ मैनी बनानास आर देयर इन ऑल? एक प्लेट में 3 बनानास है और एक अदर प्लेट में एक और है, तो दोनों प्लेट में कितने बनाना हो गए ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्लेट के बनानास लिखेंगे, कितने हैं? 3, तो 3 बनानास। एंड अदर प्लेट में कितने हैं? 1, तो हम 1 लिखेंगे। अब 3 है, 3 लाइंस खींचेंगे, 1 2 3। 1 है, 1 लाइन खींचेंगे, अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। कितने बनानास हो गए? 4। टोटल बनानास कितने हुए? 4। तो इन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व किया? ऐड करके। अब अदर पेज पे आते हैं, इसमें क्या करना है? ऐड अक्रॉस। 1 more than 0 is, 1 more than 0 is, 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 से 0 ज़्यादा होगा तो क्या होगा? 1 ही रहेगा, 0 कोई ऐड नहीं होगा। 5 more than 0 is, 5 में जब 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5। 0 more than 9 is, जब 0 में हम 9 ऐड करेंगे, 0 से 9 जब मोर करेंगे तो कितना आएगा? 9। 1 more than 3 is, 1 में जब 3 ऐड करेंगे, 1 से 3 ज़्यादा लेंगे तो कितने आएंगे? 4। 1 में 3 ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 4। 4 more than 4 is, 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 8। 4 से 4 ज़्यादा लेंगे, मोर करेंगे तो कितने होंगे? 8। 2 more than 8 is, जब 2 में 8 ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 10। 1 and 1 make, 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2। 4 and 4 make, 4 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8। 5 and 6 make,
5 एंड 6 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 11। 8 एंड 0 में 8 में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8। 2 एंड 5 में 2 एंड 5 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 7। 3 एंड 3 में 6। अब ये एक्टिविटी है ड्रॉ द शेप्स टू कंप्लीट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या है, स्टार बना हुआ है, कितने हैं 1 और यहाँ क्या लिखा है 2। तो 1 में जब 2 स्टार्स को हम ऐड करेंगे तो 3 स्टार्स बनेंगे, तो हम यहाँ क्या बनाएंगे 2 स्टार्स मेक करेंगे। आपको 2 स्टार्स की पिक बनानी है। ओके, तो 1 एंड 2 स्टार्स प्लस इक्वल 3 स्टार्स। ओके, अब 3 बॉल्स है, अब यहाँ कितनी हो गई 1 2 3 4, कितनी हो गई 4। तो 3 में हम कितनी बॉल्स को प्लस करेंगे जब 4 बॉल्स होंगी, कितनी बॉल्स को करेंगे 1 को, तभी तो 4 होंगी। अब हो गई 1 2 3 4, तो हमने 1 बॉल बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1। 3 + 1 = 4। अब ये बॉक्सेस हैं 5 बॉक्सेस इधर हैं प्लस 4 बॉक्सेस इधर हैं, तो 5 + 4 बॉक्सेस कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए 9। तो हम यहाँ 9 बॉक्सेस बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 9 लिखेंगे। ओके,